नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी के पकौड़े की कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। आधी लौकी ली थी तो उसको छील करके धो करके और कद्दूकस कर लिया है। बेसन, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा और ये मेथी डाला, हरी मिर्ची और लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये हमने मठा लिया है। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। एक बर्तन ले लेंगे और इसमें डाल देंगे लौकी जो हमने ये कद्दूकस करके रखी थी, उसको डाल देंगे इसी में। अब हम डाल देंगे बेसन, 5 चम्मच हमने इसमें बेसन डाल दिया है। नमक 1/2 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले सकते हैं। ये धनिया पाउडर डाल देंगे पूरा इसी में जितना हमने लिया था, और ये लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, ये हमने डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इनको सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। गैस पे कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है। अब हम गैस को तेज फ्लेम में चालू कर देंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। हीट आने लगी है, इसमें हम छोटा सा बेसन का टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे कि तेल हमारा कितना गर्म है। ये ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और अपने जो हमने कोफ्ते की तैयारी करी है उसको डाल देंगे इसमें। इसके लिए छोटा सा पोर्शन तोड़ेंगे और इस तरीके से हम इसके गोले बना लेंगे और इसमें डाल देंगे आसानी से, बहुत ही सावधानी से डालें ताकि तेल ऊपर नहीं आए, बल्कि गैस को हम धीरे कर देंगे। अब हम इनको पलट लेंगे और गैस को मंदी रखेंगे ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये हमारे लौकी के कोफ्ते बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसे कोफ्ते कहिए, ये पकौड़े कहिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, कढ़ी में तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको सबको इस तरीके से निकाल लूँगी। इससे पहले मैं लौकी के कोफ्ते की सब्जी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जा कर के चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमने एक बर्तन ले लिया है, गैस नहीं जलाए हैं और हम ऐसे ही रखे हैं इसको, और ये हम बेसन खोलेंगे इसमें। तो ये हमने जो बचा हुआ बेसन था उसको खोल देंगे। अब हम जो ये मठा लिए थे इसको थोड़ा थोड़ा डाल डाल करके और इसका अच्छा घोल तैयार कर लेंगे कढ़ी बनाने के लिए। थोड़ा अच्छे से घोल लेंगे, पूरी गुठलियाँ फूट जाए, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, और इसे रख देंगे साइड में और कढ़ी की तैयारी करेंगे। गैस पे कढ़ाई रख दी है हमने, वही वाली कढ़ाई ली है, इसका जो तेल बचा हुआ था वो निकाल दिया है, और हम गैस ऑन कर देंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है हरी मिर्ची और लहसुन, मेथी डाला, जीरा, और इन सबको इस तरीके से चला लेंगे थोड़ा सा, हल्दी और नमक, नमक स्वाद के अनुसार, इन सबको इस तरीके से मिला लेंगे। ये जो हमने मठा और बेसन का घोल तैयार करा है उसको इसी में डाल देंगे और चला लेंगे इस तरीके से। ये इसमें हमारे एक उबाल आ गया है, अब हम गैस को धीरे कर दिए हैं। और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच शुगर, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। मिला लें इसे इस तरीके से, गैस को तेज कर देंगे। कढ़ी को पकते हो गए हैं 5-7 मिनट, कढ़ी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते, कोफ्ते डालने के बाद 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे कढ़ी को, ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से पक जाए, नरम हो जाए। अब गैस को मंदी कर देंगे और मंदी आंच पे इसको पकने देंगे। कोफ्ते डालने के बाद हमने 5 मिनट तक कढ़ी को और पकाया था। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी लौकी के पकौड़े की कढ़ी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।